एंड ये चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगी, दिस सॉन्ग इज रियली एडिक्टिव। मतलब अगर आप इसको सुनोगे तो आप 4-5 बजे लगातार और सुनना चाहोगे। बिकॉज कभी मैं हो या गुमशुदा ना लगदा जिया, मैं हर पासे ढूंढा तैनू रहंदी है कहां। ओके तो सॉरी गाइस, मतलब आप लोग मुझे जब से कृष्णा का न्यू सॉन्ग नो लॉसेस आया तब से मुझे डेली डीएम करते हो इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, स्टोरीज पे भी कि मैम कृष्णा के न्यू जो सॉन्ग आया उसके ऊपर रिएक्शन दीजिए। तो मैंने रिएक्शन नहीं दिया था। रिएक्शन नहीं देने की वजह यह है गाइस कि मेरा ऑफिस खुला हुआ है, वही तो मेरी हालत ख़राब आ गई। सुबह शाम तो ऑफिस में काम करना, फिर खिला के शूट करना। सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है गाइस कि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आपको पता है कि मेरे पास एसी नहीं है, कूलर में मैं शूट कर नहीं सकती हूँ। एंड अभी भी आप देख सकते हैं, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले रोज़ वीडियो शूट किया एंड बैंड बज के ही रोज़ वीडियो शूट कर रहे हैं। मतलब मेरे को जो हालत हुई है मतलब गर्मी से, तो इस वजह से मैंने 2-3 दिन से वीडियो शूट नहीं किया था। तो सो सॉरी गाइस, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा मेरे वीडियो के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज फटाफट से स्टार्ट कर लेती हूँ वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं कृष्णा के न्यू वीडियो नो लॉसेस के ऊपर रिएक्शन। एंड बाय द वे, अगर आपने इनके बाकी के सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन नहीं देखा हो तो पिन कर दूंगी, वो भी देख लीजिएगा अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर। तो और सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना हाथों हाथ, टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो फिलहाल हम भी बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट रिएक्शन वीडियो। साल था 1998, सुनने लगा रैप गाने, एक जरिया मिला इस दर्द को दबाने का। चुपचाप लड़का हाँ, मुझे कौन पहचानेगा, अपनी सोच में डूबा सूजाना सपना सजाने का। मुझे लगा नहीं कभी मेरे फैन होंगे, खुदा पे छोड़ा शायद मेरे लिए प्लान होंगे। कितनों ने दिया दगा पर मुझे नहीं लगा मेरे नाम से आज यहाँ रैपर बेचैन होंगे। याद है मुझे जब कोई चारा नहीं था और मैं थक गया था गाकर, मुझे गाना नहीं था और 2016 में छोड़ने लगा रैप। आई नाउ फॉर दिस क्रैप, मुझे कमाना भी था और द प्रॉस्पेक्ट का नाम फैला ट्रेंड पे। मैं नौकरी में फंसा था, स्ट्रगल था रेंट ये, पर मुझे मिला नहीं है पॉप जैसा प्यार। आखिरकार जो भी हुआ इधर ही हूँ एंड में, इको लगा ये लेके मेरी जगह पर मेहनत करके पहुंचा हूँ मैं यहाँ। मौका मिलते ही करे ये बुराई, मैंने छोड़ी नहीं फाइट, मैंने लड़ी ये लड़ाई। इसलिए हारूंगा नहीं मैं कभी, तो गेम में सहमति मिली फेम है। पर आज वो है मेजर जो पहले से कैप्टन थे, जिनका नंबर पूरे टाइम आया करता था बिजी, आज वो करे मुझे कॉल जैसे मेरा लास्ट नेम है। हीरा बनता है दर्द को निचोड़ के, सियाही रोती है मेरे कलम के नोक पे। हर मोड़ पे मिले हैं मुझे धोख के, दबा नीचे मैं पोच के, पर आई एम एक्सपेक्टेड टू से देयर आई एम ओके। तू इससे बना बोले तू उससे बना, ओवरनाइट वाला सीन नहीं है मैं खुद से बना। इतने टाइम रहा चुप हुआ ना तुझसे खफा, देवा ब्लाइंड टू दिस पेन जैसे मैं खुद से बना। कृष्णा नहीं कर पाएगा वो, कृष्णा नहीं कर पाएगा ये, जो भी तुम बोलोगे मैं नहीं कर पाऊंगा, वही कर जाऊंगा, देयर इज द वे। इको लगा ये लेके मेरी जगह पर मेहनत करके पहुंचा हूं मैं यहां। मौका मिलते ही करे ये बुराई, मैंने छोड़ी नहीं फाइट, मैंने लड़ी ये लड़ाई। इसलिए हारूंगा नहीं मैं कभी ना, 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 इनकी मानूंगा नहीं मैं कभी ना, 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 हारूंगा नहीं मैं कभी ना, 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 इनकी मानूंगा नहीं मैं कभी ना, 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 हारूंगा नहीं मैं कभी ना, 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 इनकी मानूंगा नहीं मैं कभी ना, 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 हारूंगा नहीं मैं कभी ना, 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 इनकी मानूंगा नहीं मैं कभी ना, ना, ना। इससे बेहतर कभी होता अंधेरा भी, पर रोशनी के बिना होता सवेरा नहीं। आसमान के तारों ने कभी घेरा नहीं, मुझे जानते लोग पर देखा है असली चेहरा नहीं। इको लगा ये लेंगे मेरी जगह पर मेहनत करके पहुंचा हूँ मैं यहाँ। मौका मिलते ही करे ये बुराई, मैंने छोड़ी नहीं फाइट, मैंने लड़ी ये लड़ाई। इसलिए हारूंगा नहीं मैं कभी ना, 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 इनकी मानूंगा नहीं मैं कभी ना, 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 हारूंगा नहीं मैं कभी ना, 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 इनकी मानूंगा नहीं मैं कभी ना, 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 हारूंगा नहीं मैं कभी ना, 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 इनकी मानूंगा नहीं मैं कभी ना, 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 हारूंगा नहीं मैं कभी ना, 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 इनकी मानूंगा नहीं मैं कभी ना, ना, ना। Oh,
कमर्शियल सॉन्ग है, आई थिंक कमर्शियल सॉन्ग ही है बिकॉज नीचे तो कुछ ऐसा मेंशन किया नहीं गया है, कलमकार लेवल से ही ये प्रेजेंट हुआ है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कृष्णा बहुत टाइम से रैप इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री तो क्या होता है, कल्चर में है। तो जब मैंने क्लिप देखी ना लास्ट वाली 2006 की, तो मैंने कहा भाई साहब तो मैं छोटी बच्ची तब सिक्स क्लास में थी, जब मैं कुछ भी नहीं पता था दीन दुनिया के बारे में, तब ये बंदा रैप करता था बॉस। तो मतलब एक तरह का मोटिवेशनल सॉन्ग है, इन्होंने पूरा जो अपनी स्टोरी है बीच बीच में क्लिप्स भी ऐड किए हैं 2011 2012 2010 की। तो उन्होंने पूरी अपनी एक स्टोरी एक स्ट्रगल इस सॉन्ग के अंदर पूरी डालने की कोशिश की है। एंड जैसे कि मैंने एक बारी पहले भी बोला, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो, कि कृष्णा का जो वे है ना अपनी बात बताने का, अपनी कहानी बताने का, वो रोते हुए नहीं बताते हैं कि हाँ मैंने मेहनत की, मैंने वो जो बोलते हैं ना वो भी उसको इस तरह से बयां करते हैं कि वो भी आपको एक तरह से मोटिवेट करते हैं, आपको दुख नहीं होगा उसको देखकर, आपको ऐसा लगे कि हाँ हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो गाइस झूठ नहीं बोलूँगी, पहले मेरे को जो मोटिवेशनल सॉन्ग थे सबसे जो बेस्ट थे वो लगते थे दीनो जेम्स, अभी बेस्ट है मेरे लिए। उनके बाद जो सेकंड जो मैं जिसको पहली बार ऐसे सुन रही हूँ मोटिवेशनल सॉन्ग निकालते हुए, थोड़ा दोनों का तरीका अलग है लेकिन बात वही है कि दोनों ही कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के दिलों से। जो कि कृष्णा है उनके जो भी फैन फॉलोइंग है वो टेक्निकली काफ़ी अंदर तक घुसी हुई है रैप के, मतलब उनकी जो 99% जो भी फैंस हैं, अगर उनका कोई भी सॉन्ग आता है तो पूरा उसको नीचे डिस्क्राइब करने में, उसको पूरा एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं, बार्स हुक ये वो निकालने में लग जाते हैं। और जो दीनो जेम्स की जनता है वो थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा वीक है, तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है कॉमेंट सेक्शन में, बस फ़र्क इतना है। बाकी दोनों का ही जो तरीका है रैप करने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कृष्णा का जो रैप सॉन्ग था गाइस एज अ मोटिवेशनल सॉन्ग बहुत अच्छा है, आप इसको सुन सकते हो जबकि आप हार चुके हो अपनी ज़िंदगी में। खासतौर पर वो लोग जो कि रैप कल्चर में अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनके लिए तो सोने पर सुहागा है ये रैप सॉन्ग। एंड अभी जस्ट मैं चेक करी थी तो कमेंट सेक्शन, जैसे कि मैंने हमेशा ही बोला है कि जो कृष्णा की जनता होती है वो पूरा का पूरा डिस्क्राइब करने में लगी, पूरा का पूरा उसको जैसे रोल करप्पा करते ना ब्रेक डाउन, वैसे यहाँ पर जनता करती है ब्रेक डाउन, तो सेम पूरा ब्रेक डाउन करने की कोशिश की गई है नीचे। एंड सही बता रही हूँ गाइस, बहुत 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 अच्छा रैप सॉन्ग था। एंड इसका मेरे ख्याल से शायद उन्होंने बीच में ऐड भी चलाई थी, बिकॉज जब मैं बीच में एक बार यूट्यूब चला थी तो ऐड पर शो कर रहा था नो लॉसेस का, क्योंकि अभी इसमें आई थिंक 1.4 मिलियन व्यूज हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है कृष्णा के लिए। इससे पहले मैंने उनको कमर्शियल सॉन्ग में रफ्तार के साथ देखा है कई बारी, एंड मेरी तरफ से आई थिंक मैंने पहली बार इनको सोलो में से परफॉर्म करते हुए देखा एज अ कमर्शियल सॉन्ग, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कमर्शियल सॉन्ग क्योंकि जो कृष्णा का तरीका है रैप करने का थोड़ा सा हार्ड कोर रैप करता है, एंड यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट रैप किया गया है, एक मोटिवेशनल कहानी एंड जो लिरिक्स है उसको भी सिंपल रखा गया, लेकिन काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन तरीका था एक्सप्लेन करने का पूरे सॉन्ग को, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा गाइस। एंड ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, दिस सॉन्ग इज़ रियली एडिक्टिव, मतलब अगर आप इसको सुनोगे तो आप 4-5 बारी लगातार और सुनना चाहोगे, बिकॉज जो उसका जो हुक है बहुत कैची है एंड जो बीट है काफ़ी अच्छी है, मतलब एक फ्लो बिल्कुल मेंटेन किया गया है पूरे, जो भी उनके जो वर्ड्स है उसके साथ काफ़ी मैच भी कर रहा है, तो काफ़ी एक मतलब आपको उसे कैची का जैसा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ हमको इसको और सुनना चाहिए, काफ़ी गानों को आराम भी दे रहा है पूरा रैप सॉन्ग। एंड कृष्णा का तो क्या ही कहना यार, कृष्णा तो हमेशा से लिरिकली ब्रिलियंट ही रहे हैं, हमेशा मैंने देखा है उनको डिस ट्रैक में देख लो आप, खासतौर पर जो रेफरेंसेस वो यूज़ किया करते हैं। तो टोटल बोलूँगी कि मैं अगर आप एक तरह का मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना चाहते हैं एक रैप के तरीके से, एंड आप थोड़ा सा मतलब अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो भी ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा है, मतलब थोड़ा सा जो इसका बीट है उसको देख के ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी आपको मज़ा आएगा। और मैं ये कहना चाहूँगी टोटल मिलाकर कि काफ़ी अच्छा सॉन्ग यहाँ पर तैयार किया गया है कृष्णा एंड होल कलमकार टीम की तरफ से, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि रैप सॉन्ग सुनने में मज़ा आया है। तो गाइस ये था मेरा रिएक्शन कृष्णा के नो लॉसेस के ऊपर, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो फटाफट ख़त्म करी बिकॉज मुझे गर्मी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं बार बार, एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी इरिटेट हो मेरी वजह से। तो गाइस कैसा लगा आप लोग को वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। तो ठीक है, मिलती हूँ आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए गर्म रहो और सेफ रहो।